हेलो एवरीवन, दिस इज नील फ्रॉम स्टॉक सैटेलाइट। चलिए देख लेते हैं आज मार्केट कैसा गया, कल मार्केट कैसे जा सकता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है एंड कल इंट्राडे के लिए कौन कौन सा स्टॉक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। सबसे पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। बैंक निफ्टी में अराउंड 170 पॉइंट्स के आसपास गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद मार्केट में कुछ खास उतना मोमेंटम था नहीं, सारे मार्केट एक ही रेंज के अंदर था। फाइनल क्लोजिंग 43,352 का दिया है और कल से 118 पॉइंट ऊपर आके हम लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मॉर्निंग में जब मार्केट खुला भी नहीं था उस टाइम में मैंने एक चीज़ पोस्ट किया था कि मार्केट 3 दिन बाद खुल रहा है और मार्केट में एक एक्स्ट्रा दिन मार्केट ने स्पेंड किया, तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, न्यूज़ हैं जो मार्केट को डाइजेस्ट करना है, तो उसके लिए मार्केट को टाइम देना पड़ता है। इसलिए खुलते ही ट्रेड मत लीजिएगा, वेट कीजिएगा। अगर आपका कोई सेटअप है वो आपको ट्रेड प्रोवाइड कर रहा है देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आप वो ले सकते हो। अदर देन दैट मार्केट में वेट करो, अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है जाने दो, नेक्स्ट डे फिर से आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा, उस दिन ट्रेड करना, पैसा को सेव करके रखो, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। आज का मार्केट ऑप्शन बायर्स के लिए था ही नहीं, जितने लोगों ने आज ट्रेड किया है प्रॉफिटेबल है, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने लोग आज स्टेप हुए हो याद रखना मार्केट ने आपको क्लियरली साइन दिया था, मॉर्निंग का 15 मिनट के कैंडल के अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। अभी तक आपको अगर ये लॉजिक समझ में नहीं आया, मैं इसके ऊपर एक 1 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा इस वीडियो के आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो, इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ऐसे टाइप का मार्केट अगर बनने वाला है फर्स्ट एक कैंडल देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आज का मार्केट साइडवेज जाने वाला है या मार्केट ट्रेंडिंग रह सकता है। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कल मार्केट कैसे जा सकता है। अभी देखिए मार्केट एक इंटरेस्टिंग लेवल पे है, जब भी मार्केट एक साइडवाइज जोन पे रहता है ना हम लोगों के लिए ट्रेड करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, स्पेसिफिकली ऑप्शन बायर्स के लिए। अभी अपर साइड में देखिए आज का हाई लगाया था 43,480 का, तो ऊपर एक और 20 पॉइंट्स का एक रेजिस्टेंस है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, विच इज 43,500 विच इज मिड पॉइंट बिटवीन 44,000 to 43,000। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और नीचे की साइड में आज का डे का लो और प्रीवियस डे का क्लोज जो कि अराउंड 43,200 से लेकर 250 के आसपास है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा, मार्केट इसी जोन के अंदर खुले, खुलने के बाद ऊपर आके थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, थोड़ा बहुत गैप अप खुल के 43,480 या 500 के नीचे टाइम स्पेंड करने के बाद 500 के लेवल ब्रेकआउट करे, तो यहाँ से इजीली 150 से 200 पॉइंट का आपको मोमेंटम एक मिल सकता है, जो प्राइस को 43,600 देन 43,680 700 ये सारा लेवल तक लेके जा सकता है। अभी यही चीज़ अगर मार्केट फ्लैट खुल के थोड़ा टाइम स्पेंड करके नीचे ब्रेकडाउन करता है, यहाँ पे मैं बहुत एग्रेसिव सेल करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज ऑफ टू रीजंस। मार्केट ट्रेंड इज इन पॉजिटिव साइड, तो मैं अगेंस्ट द ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, तो मेरा क्वांटिटी को मुझे कम करना है। और यहाँ पे मार्केट के पास स्पेस नहीं है, स्पेस किस लिए नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर डे लो ब्रेक करते हैं आप अगर सेल करते हो तो नीचे फिर से प्रीवियस डे का क्लोज आ जाता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। नहीं, अगर मार्केट 43,200 का लेवल ब्रेक करता है यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद, देन आप एक छोटा क्वांटिटी लेके यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 43,100 से लेके 43,000 का डाउन लेवल तक का रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये 100 पॉइंट का आप टारगेट प्लान कर सकते हो, लेकिन याद रखना क्वांटिटी को कम रखना और एग्रेसिव सेलिंग मत करना, मतलब अगर छोटा मोटा 70-80 पॉइंट्स मिले वेल एंड गुड, प्रॉफिट बुक कर लेना, फिर यहाँ पे आके प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है फिर यहाँ से आप नेक्स्ट डे प्लान कर सकते हो। अगर नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप खुल जाता है समाराउंड मान लीजिए 43,580 या 600 के आसपास खुलता है, बहुत बड़ा गैप अप वहीं पर खुल रहा है, तो ये सारे लोकेशन में ना मैं एग्रेसिव सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं यहाँ पे वेट करूँगा मार्केट नीचे आएगा, फिर 43,500 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस लेवल है दैट विल बिकम सपोर्ट, तो यहाँ पे आके कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाइंग के लिए प्रेफर करूँगा रेदर देन सेलिंग। सेम गोज फॉर गैप डाउन ऑल्सो, अगर मार्केट डायरेक्टली 200 के पास खुल रहा है तो यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बने या रेंज बने उस रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में ट्रेड प्लान करूंगा। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल रहा है लाइक 200 पॉइंट 300 पॉइंट मतलब 43,000 के आसपास या 43,100 के आसपास, तो यहाँ पे खुलते ही कोई हैमर कैंडल बने, यहाँ पे कोई रेंज बने, इसका ब्रेकआउट करे या डब्ल्यू पैटर्न बन के ब्रेकआउट करे, यहाँ पे मैं बाइंग प्रेफर करूंगा क्योंकि एक बाइंग जोन रहेगा। 43,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, एक राउंड लेवल भी है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो रेदर देन सेलिंग आई विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग इन दिस एरिया इफ मार्केट कम्स टू मार्केट ओपन्स गैप डाउन। ठीक है, चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। निफ्टी में अराउंड 60 पॉइंट्स के आसपास गैप अप खुला, कंपेयर टू बैंक निफ्टी निफ्टी में थोड़ा सा मोमेंटम बेटर था, लेकिन यहाँ पे भी साइडवाइज मोमेंटम था। डेली टाइम फ्रेम में एक डोजी टाइप का कैंडल मार्केट ने फॉर्म किया है और कल से 82 पॉइंट ऊपर आके फाइनल क्लोजिंग 18,147 का दिया है, तो दैट्स अ गुड क्लोजिंग। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 18,150 के ऊपर अगर डेली टाइम फ्रेम क्लोज करता है तो दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन कोई बात नहीं, कंपेयर टू बैंक निफ्टी इसने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, एक्जैक्टली कल के लिए क्या प्लानिंग रहेगा उस बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ
पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी की तरह यहाँ पे भी एग्जैक्टली सिमिलर कंडीशन था। मार्केट सारा दिन एक ही रेंज के अंदर था, कोई कुछ खास उतना मोमेंटम था नहीं। जितने लोगों ने ट्रेड वगैरह किया होगा, ऑप्शन बायर्स की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम केसेस में ट्रेड ट्रैप हुए होंगे। अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह करते हो देन वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट के लिए ट्रेड किए थे तो बहुत लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। अभी देखिए यहाँ पे लेवल्स कौन कौन सा है, अभी आपको बता देता हूँ। प्रीवियसली भी ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ, 18,200 विल एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर अस। और आज का मार्केट का हाई है 18,180 के आसपास, और लो है अराउंड, मैं आपको देख के बता देता हूँ, 18,100 के आसपास, ठीक है। तो 100 एक लो है, तो अगर मार्केट इसी जोन के अंदर खुलता है या थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है 180 के आसपास, टाइम स्पेंड करके 18,000, ये मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ इसको, गैप अप खुल के 18,180 का लेवल ब्रेक करता है, हम लोग यहाँ पे इमीडिएट बाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जो कल नहीं तो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर ये 18,180 का लेवल ब्रेक करता है, हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे, लेकिन फुल क्वांटिटी लेके बाई नहीं करेंगे, क्योंकि अपर साइड में 18,200 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 18,215 to 20 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है, तो यहाँ से हम लोग बाई करेंगे। जब प्राइस इसके ऊपर जाके 18,220 के ऊपर सस्टेन करेगा, सस्टेन करना चाहिए, 1-2 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है, तब यहाँ से एक बहुत ही अच्छा आपको मिल सकता है, जो प्राइस को इजीली 18,300 के आसपास या 18,295 के आसपास लेके जा सकता है। लेकिन क्या होता है मैक्सिमम केसेस में, यहाँ पे बहुत लोगों ने एग्रेसिव बाइंग किया, जैसे ब्रेकआउट किया, उसके बाद 200 का लेवल ब्रेक किया, बहुत लोगों ने एग्रेसिव बाइंग किया, जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसका नेक्स्ट कैंडल ने ही नीचे ब्रेकडाउन कर दिया और फॉल्स ब्रेकडाउन हो गया, और एग्रेसिव यहाँ पे सेलिंग आ जाता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग का स्पेस नहीं है, 18,180 ब्रेक करेगा हम लोग बाई करेंगे, क्वांटिटी को थोड़ा कंट्रोल करके रहेंगे। अगर प्राइस 18,215 से लेके 220 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, देन हम लोग एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग का नेक्स्ट टारगेट 18,290 to 18,300 ये सारे लेवल तक रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, आज का जो लो बनाया था 18,130 के आसपास यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक करता है, हम लोग यहाँ पे क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं। नीचे की साइड में टारगेट 18,100 के आसपास रहेगा, फिर यहाँ पे आके 1-2 कैंडल रुक के अगर 100 का लेवल ब्रेक करता है, और एक नीचे ट्रेड मिल सकता है, जो प्राइस को 18,155 से लेके 18,150 तक लेके आ सकता है। याद रखिए 18,055 से लेके 50 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा, क्योंकि प्रीवियस डे का क्लोज है, तो यहाँ से एक सपोर्ट लेके प्राइस फिर से एक बाउंस बैक कर सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है देन 18,000 का राउंड लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे मैं रादर देन बाइंग सेलिंग सॉरी रादर देन सेलिंग बाइंग के लिए प्लान करूंगा। यहाँ पे कोई भी हैमर कैंडल बने, इसका ब्रेकआउट करें, या कोई भी एक डब्लू पैटर्न होकर ब्रेकआउट हुआ, या कोई रेंज बने फिर ब्रेकआउट करें, मैं यहाँ पे बाइंग प्रेफर करूंगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, जैसे बैंक निफ्टी में डिस्कस किया है, यहाँ पे सिमिलर कंडीशन हम लोग का रहेगा। मार्केट अगर गैप अप खुलता है, मार्केट नीचे आता है, फिर मैं वेट करूंगा। 18,200 के ऊपर खुल रहा है तो 200 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, 200 से लेकर 180 का लेवल। तो यहाँ पे आगे प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है, कोई डब्लू पैटर्न बन रहा है कि नहीं, फिर ब्रेकआउट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे बाइंग प्रेफर करूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो एक्जैक्टली कहाँ पे गैप डाउन खुलेगा वो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर मार्केट एक्जैक्टली 55 के आसपास या 18,000 के राउंड लेवल के आसपास खुल रहा है, तो दीज ऑल लेवल विल बी ए बाइंग लेवल रादर देन सेलिंग। तो यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन बने, 5 मिनट्स का ब्रेकआउट हो, मैं थोड़ा बाइंग प्रेफर करूंगा। और डायरेक्टली अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, लाइक अराउंड 2-130 पॉइंट्स के आसपास अगर गैप डाउन खुल जाता है 18,000 के आसपास, तो ये आग बंद करके आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। जस्ट गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे कोई भी एक आपको सिग्नल मिल जाए, एक स्टॉप लॉस लगाने का जगह मिल जाए छोटा सा, आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है कि यहाँ से फॉल बैक आपको दिखा सकता है मार्केट, एक अच्छा मोमेंटम आपको दिखा सकता है, ठीक है। चलिए अभी कल के इंट्राडे सेशन के लिए स्टॉक देख लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है भारती एयरटेल। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में एक ब्रेकआउट, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी हुआ था, लेकिन अभी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे सेलिंग आ गया है, तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट फेलियर यहाँ पे दिख रहा है। अगर प्रीवियस कैंडल का जो लो था, जहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, फ्लैट खुल के लो क्रॉस करते हैं, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। नीचे की साइड में टारगेट 781 के आसपास रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हम लोगों के लिए बीपीसीएल। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट एक्जैक्टली रेजिस्टेंस लेवल के पास से एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म किया है। अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, उसके बाद डे लो क्रॉस करता है, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। नीचे की साइड में टारगेट 355 से लेकर 356 के आसपास रहेगा। अगर फ्लैट या गैप अप खुलता है, हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। लास्ट स्टॉक है हम लोगों के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज। डेली टाइम फ्रेम में फिर से मार्केट एक्जैक्टली रेजिस्टेंस लेवल के पास होल्ड कर रहा है। अगर फ्लैट खोल के ये लेवल क्रॉस करता है 1334 का, हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। 1343 तक का अपर साइड पे टारगेट रहेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।